हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। 58 श्लोका नंबर है ना। तो यहाँ पे आज के जो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, इसको हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशिता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे बता रहे हैं श्लोका में कि अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, कितना छोटा सा शब्द है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी बृहद है। और अन्य शास्त्रों से जब हम देखें श्रीमद् भागवतम में और आगे जो चीजें गीता से अगर मिक्स करके देखें तो इसकी बहुत अच्छा मनन पॉइंट हो सकता है ना। इसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, जैसे मैं पूरे सीरीज में कहती चली आ रही हूँ कि इन जो विद्वान होते हैं उनकी दोनों स्पेसिफिकेशन होती है कि एक पॉइंट में भी बोल सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं और विस्तार भी कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास समय ना हो तो एक शब्द में बोला जा सकता है ना। तो और नहीं है तो फिर तो बोला इसे बता रहे हैं अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, बस तीन शब्द। अन्यस्मात् माने किसी अन्य वस्तु से, और सौलभ्यम यानी सौलभ्य यानी प्राप्त करना, सुलभता शब्द सुना होगा आपने। और भक्तों का मतलब होता है भक्ति में सेवा। तो किसी अन्य पद्धति की अपेक्षा भक्ति में सेवा द्वारा सफलता पाना अधि सुलभ है ना। आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे, योग मार्ग में जाएंगे, है ना। तो अन्य मार्ग जो है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, और भी जो अन्य मार्ग है, उन मार्गों में जो भक्ति में सेवा द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है ना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भक्ति में सरल भी है और उच्च लाभ भी मिलता है। बाकी पथों में पद भी कठिन है और सर्वश्रेष्ठ लाभ भी नहीं है ना। ज्ञान मार्ग में देखो कितना डिफिकल्ट है ना, पढ़ते रहना, ज्ञान लेना इतना आसान नहीं होता है ना। और फिर भी लाभ क्या होता है, मोक्ष, मैक्सिमम लाभ। तो देखिए कितना क्लिष्ट भी है सब कुछ, व्यक्ति भी छोड़ भी देता है और फिर उसको मिलता क्या है, फिर से भौतिक जगत में वापस आना। अच्छा, कर्मयोग कर्मी जो होते हैं, कर्मी में क्या होता है, हम स्वर्ग लोक पर जाते हैं। अगेन यू हैव टू कम बैक, क्योंकि स्वर्ग लोक में आप अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म भौतिक, जैसे पृथ्वी पर रह के हमारा एड ऑन होता है ना, कि अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, ऐसा मिलता है फल। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। समझते हैं आप इस चीज को, स्वर्ग में आप एड ऑन नहीं कर सकते है ना। और उसी तरह से कर्म का फल नहीं लगता, और उसी तरह नर्क में भी नहीं लगता कि आप अच्छा कर्म करेंगे वहां पे तो आप अच्छे लोगों को चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पृथ्वी पर ही हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भक्ति है, अगर अन्य मार्ग आप देखेंगे तो भक्ति अधि सुलभ है। वो कृष्ण प्रेम भी प्रदान करती है और मार्ग भी कितना ईजी है ना। सेवन मुखे ही जिब्बा दो, दो काम करने, कीर्तन करना और प्रसाद खाना, किसको नहीं करना, एक बच्चा भी कर सकता है, तो इसको करना बहुत आसान है। तो नारद जो है विश्वास दिलाते कि हर व्यक्ति को, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा कि कामना है या नहीं भी कामना है, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्कृष्ट एसोसिएशन होता है, लाभ भी उत्कृष्ट होता है। बाकी मार्ग में तो जो भी इंटेलिजेंट होगा वो कोई भी बिजनेस करेगा तो सब चीजें देखेगा ना कि भाई हम कम करके हमें मैक्सिमम लाभ कैसे मिल सकता है ना। जब हम हमारे पास वो सेल लगती है या कुछ ऐसा होता है तो हम क्या देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते तो क्या देखते हैं, भाई लो प्राइस पे बेस्ट चीज मिल जाए ना, क्योंकि उस समय सेल लगी होती है। तो क्या होता है, अच्छी अच्छी कंपनियां भी जो होती हैं अपना प्राइस लो कर देती है ना, ताकि सेल ज्यादा। तो इस तरह से होता है। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे नारद मुनि जो है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त, कहते हैं भाई आप किसी भी मार्ग में चले जाइए लेकिन जो भक्ति मार्ग है ना उसमें जो चीजें प्राप्त होती है वे स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया।
इसलिए बेस्ट है कि हम बाकी मार्गों को छोड़ दें बल्कि हम भक्ति करें। भागवतम में भी कहा है कि हमने बहुत अच्छे से सब धर्म निभाए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की तो क्या लाभ हुआ। और अगर हमने भगवान की भक्ति की और बाकी धर्म नहीं भी निभा पाए, कम हो पाया, तो उससे हानि क्या हुई। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बना है। मनुष्य जीवन ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और ये सब के लिए नहीं बना हुआ है। भक्ति मार्ग का अवलंबन करने के लिए भक्ति ये शरीर मिला। तो भाई अगर कोई भी चीज है, अगर हम आप करते हैं उसको पर्पस नहीं करें और बाकी सारे काम करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे आप लैपटॉप पे भी बैठे हैं, है ना लैपटॉप आपके पास। अभी हम लैपटॉप का यूज जो है वो हम किसी और काम के लिए करें, है ना, बातचीत करने के लिए या फोटो के लिए या जूम के लिए या जो भी चीजें कर लैपटॉप से होती हैं। तो मेन पर्पस होता है उसको कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन ना करके हम उसका जो यूज है वो कपड़े धोने में करें। कि लैपटॉप से जो है वो वॉशिंग मशीन की तरह जैसे कपड़ा अंदर चला जाएगा और सारे कपड़े धुल जाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए लैपटॉप में कि एक स्विच दबाएं और सब कपड़े धुल जाएं। तो वो पर्पस सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि उस पर्पस के लिए वो बना नहीं। फिर उस कंपनी को आप ब्लेम एक लिखिए लेटर कि तुमने कितने बेकार चीज प्रोडक्ट की है, इससे एक भी कपड़ा नहीं धुलता। तो क्या तुम पागल हो क्या? लैपटॉप से कहीं कपड़े धुलते हैं क्या? हाँ, लैपटॉप कोई साबुन है क्या, बड़ा साबुन जो तुम उसे कपड़े धुलोगे? अरे ये लैपटॉप को यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, वहां यूज करो, वहां उसका यूज दिखाई दो। उसी तरह से मनुष्य शरीर जो मिला है, खाली खाना पीना सोना बच्चे उत्पन्न करना, है ना, इन सब के लिए नहीं मिला। रोटी कपड़ा मकान इनको सॉल्व करने के लिए नहीं मिला। अन्य यूनियों में ये बिजनेस है ना, और ऊंचे पद पर आके निम्न कार्य करने पर दंड मिलता है। इसीलिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे भागवतम का श्लोक, उसमें बता रहे थे कि कृष्ण, इफ यू आर नॉट कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस यू आर डूइंग क्राइम। इट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। श्री प्रभुपाद क्या करे, अगर आप कृष्ण भावना मृत की नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप क्राइम कर रहे हैं। तो क्राइम कैसे है? क्योंकि अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो आप पाप कर रहे हैं। जैसे भगवान ने आज्ञा दिया है कि भाई शाकाहारी व्यंजन को भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, सिद्धांत है ये। लेकिन हम कहें कि नहीं है, भाई भगवान ने ही तो फिशेस बनाई, भगवान ने तो सारी चीजें बनाई हैं, तो इसको क्यों नहीं खाया जा सकता। लोग तर्क देते ना, अलग अलग तर्क देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो पूरी दुनिया में मुर्गी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? तो आप खा रहे हैं तो क्या इसकी संख्या कम हो गई है क्या, है ना। तो अननेसेसरी हिंसा करके कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते, है ना। तो जिस शरीर का यूज, इस भौतिक शरीर का यूज हुआ है आत्म परीक्षण करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान से अपने संबंध को एस्टैब्लिश करने के लिए, और इस शरीर का हम यूज जो है बॉडी कॉन्सेप्ट में करें, है ना, हम बॉडी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस बॉडी, तो वी आर डूइंग क्राइम और नॉट? व्हाटएवर कृष्णा हैज सेड आई एम नॉट डूइंग मींस रिलक्टेंट, मींस असुर, एंड आसुरिक जीवन इज ऑलवेज अपवित्र, ऑल एक्शन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड, है ना। तो हम क्राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तभी क्या होता है, हमारे द्वारा किए गए जितने भी एक्ट आज पूरी दुनिया में देखिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, ठीक से सनातन धर्म को नहीं जानने के कारण जितने भी एक्शन कर रहे हैं, उन एक्शन का रिजल्ट क्या है? केवल उत्पात कर। और कृष्ण भावना भावित जो लोग होते हैं उनको सही सर्कल, सही चक्र पता चलता है, इसलिए वो भगवान के नियमों के चलने में पालन करते हैं। इस मनुष्य जीवन का जो पर्पस है उसको करते हैं, बाकी लोग पर्पस ही सॉल्व नहीं करते, है ना। तो नारद मुनि यहाँ पे क्या है, प्राणेशु अल्पायुः सर्वकलास्मिन् युगे जना मद मंद सुमंद मतयो गत्या मद भाग्या उपकर।
कलयुग के लोग बहुत मंद हैं, देख रहे हैं कि सब गिर रहे हैं लेकिन फिर भी सोचते नहीं, है ना। तो इस युग के लोगों का जो लक्षण है वो है कि वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जरा भी इंटरेस्टेड नहीं रहे, है ना। सब चीज देख कर भी उनके अंदर नहीं होगा। तो सत्ययुग में लोग ज्यादातर सतोगुणी होते थे, शांति प्रिय धार्मिक होते थे, भक्ति अच्छी से करते थे। तो कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखने से पूर्व 60,000 वर्षों तक ध्यान लगाकर तपस्या की थी। ऐसे कर्दम मुनि ने सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की थी। त्रेता युग में दापर युग में मानव समाज का पतन हो गया। तो 5,000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण अष्टांग योग की स्तुति कर रहे थे तो अर्जुन ने उसको जो है अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये अव्यवहारिक है, हमें आजकल अपने द्वारा योग पद्धति भव्य धारणा को बनाए नहीं रखता, अपनी अध्यात्म की अपनी लुप्त प्राय स्थिति को तत्व को समझ करना चाहिए। ये सरल मार्ग भक्ति का मार्ग सरल है, बाकी मार्ग में ऐसा अब नहीं किया जाता। अभी अब कहिए आप किसी को कि अभी जाके तुम वो करो, तपस्या कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, तो ना मन चंचल है, आप नहीं कर सकते। तो क्या है, कलयुग में हरिनाम के उच्चारण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावशाली माध्यम नहीं रह गया। तो बेस्ट रिजल्ट देता है हरिनाम चैंटिंग करके आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, भगवान से संबंध स्थापित होगा, जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का वो सॉल्व हो रहा है, बाकी से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। उतना कठिन भी है, उतना पहाड़ चलना, योग करना, मतलब कितना कठिन काम था, लेकिन उससे पर्पस भी सॉल्व। इसलिए कलर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे। तो इसलिए देखना चाहिए कि सब जगह तो कलयुग में दोष है लेकिन एक ही महान गुण है, यानी इस जो जो बुद्धिमान होगा वो क्या देखेगा, महान गुण, उसको ले लेता है। लेकिन क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर पूर्वक कर्म योग ज्ञान या अष्टांग योग का मार्ग अपनाए भी तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ज्ञानी ज्ञान के लिए, ज्ञान की संग्रह करने के लिए कितना आसक्त होता है और परम सत्य के में समा जाने का प्रयास करता है, है ना, मोक्ष उसका मेन लक्ष्य होता है। कर्मयोगी बहुत सी क्रियाएं करता है, कितना परोपकार करता है, यज्ञ करता है ना, अपने कर्म फलों से वो क्या करना चाहे, यश की प्राप्ति करना चाहे, है ना। फिर क्या था, स्वर्ग लोक ज्यादा तक जहां तक जाते हैं स्वर्ग। अष्टांग युग में पद्धति में किंची मात्र प्रगति भी करता है व्यक्ति से, लेकिन कहा जाता है वे सिद्धि प्राप्त करेंगे। और सिद्धि प्राप्त कर कर भी क्या होता है, क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, उत्कृष्ट रस प्राप्त नहीं, किंतु भक्ति स्वभाव में इंद्रिय क्रिया कामनाओं को भी शुद्ध कर देती है और कर्म ज्ञान में योग सीढ़ी के प्रत्येक पग पर कष्ट पूर्वक मंद गति से विकास होता है और भक्ति में तीव्रता पूर्वक आनंद के साथ विकास होता है। मैंने बोला कि भक्ति में प्रोसेस क्या है, भगवान का नाम की चैंटिंग करना है, कीर्तन करना है ना, और भगवान का प्रसाद खाना है, भाई किसके लिए दिक्कत होगा, कोई भी अपने जहां स्थित है वही कर सकता है, नहीं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरस्तया, लेकिन माया के प्रभाव के कारण जो है लोग नहीं समझ पाते। और ये भी छोटी सी बात समझ में आती है कि भगवान ने कहा कि जब तक मेरी शरण ग्रहण नहीं करोगे इस माया से नहीं निकल सकते, क्लियर इंस्ट्रक्शन भगवान की, समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्य मार्ग में सुलभ नहीं है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग सरल भी है और सही गति भी प्रदान। इसलिए मतलब क्या, इसका कहने का क्या मतलब है, यही करो यही करो। थैंक यू सो मच श्री प्रभुपाद की।